हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डियर स्टडी पॉइंट में। आज का जो हम लोग का सेशन है वो बेसिकली कैलकुलेशन पे बेस्ड है हम लोगों का। तो बिना देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। तो सेशन को देखो क्या है। आज का जो हम लोग का सेशन है उसमें तुम्हें थंबनेल में दिख गया होगा कि किस तरीके से वो चार डिजिट के नंबर को हम लोग विद इन कपल ऑफ सेकेंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को दो तीन चीज़ें जाननी होंगी। वो दो तीन चीज़ें सबसे पहली क्या है, देखो मैं बात कर रहा हूँ जो कैलकुलेशन की सीरीज की मैं जो लेके आया हूँ, उस कैलकुलेशन में मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि मैं जितने अगर 100 प्रकार के कैलकुलेशन होता है, 100 प्रकार के गुना होता है, मैं उन 100 प्रकार को आसान कर दूंगा, ठीक है। अगर उन 100 में से मैं 50, चलो मान लो 50 नहीं 30 मान, ठीक है, या 40 मान, मैं उनको अगर आसान कर दूं तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। मैं पूरा का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा आसान करना ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ उन चीजों पे ध्यान बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट है और जिसके जिसपे हम लोग विद इन कपल ऑफ सेकंड्स कमान पा सकते हैं, ठीक है। छोटी सी प्रैक्टिस करने के बाद मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिस भी कैसे करनी है। सबसे पहले की पॉइंट समझो। सबसे पहले हम लोग को सीख मेन चीज इन चीजों को जानने के लिए हमको करना क्या, सबसे पहले हम लोगों को मल्टीप्लाई आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब क्या, मल्टीप्लाई भी तीन डिजिट में, तीन फॉर्मेट में। एक होगा हमारा वन डिजिट इंटू वन डिजिट, ठीक है। जैसे हम लोगों का 8 into 9, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर है, 6 into 3, ठीक है। सेकेंड जो होगा हम लोगों का वो होगा टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन, टू डिजिट इंटू टू डिजिट मतलब क्या, 27, 13। इसको अगर गुना करने आए तो इसको गुना कर सको। इसको भी हम लोग दो तीन तरीके से जानते हैं करने के लिए, एक स्प्लिटिंग करके जानेंगे और एक नॉर्मल जो मेथड होगा उस मेथड से जानेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे तीसरे में, ये है हमारा थ्री डिजिट मल्टीप्लाई, ठीक है। थ्री डिजिट मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया हम लोगों का, कि जैसे अगर हमको दे दे 1, 2, 3 इंटू 3 to 1, तो इसे हम लोग एक बार में डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से ना करके 123, 321, पहले 1 से गुना करेंगे 3, 2, 1, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 से गुना करेंगे 6, 4 और 2 इस तरीके से, और फिर डबल क्रॉस करेंगे, इस तरीके से हम लोग ना करेंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट एक लाइन में उस चीज़ को करने का सीखेंगे। तो बेसिकली मेरा कहना क्या है, ये तो इससे तुम बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हो गए, और इसको थोड़ा सा अगर नहीं फैमिलियर हो तो मैं भी सिखा दूंगा, और ये थ्री डिजिट को भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। हम लोगों को बस इन चीज़ों पे थोड़ा सा कमांड पाना है, बाकी वो जितने भी चार डिजिट्स के, दो डिजिट्स के इस तरीके के आते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का क्या है यहाँ पे, और एक चीज़ यहाँ से समझो, पहला चीज़ तो हम लोगों को ये हो गया मल्टीप्लाई जानना होगा। दूसरा चीज़ हम लोगों का क्या है इसमें, कि मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड डिवाइड बाई 5, इन दो चीज को समझना है। देखो तुमसे सिंपली अगर मैं पूछूं किसी भी संख्या को 5 से गुना करना, तो मैं अगर तुम्हें बोलूं 12 × 5, तुम इजिली बोल दोगे 60, ठीक है। खुद भी सोचना, जब मैं सवाल बोलूंगा तो मैं 2 सेकंड रुक जाऊंगा वहां पे, तुम्हारे दिमाग में वो जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं अगर बोलूं तुम्हें 17 × 5, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा 17 × 5 कितना होता है, 85, ठीक है। मैं अगर बोलूं तुमसे 18 × 5, तो 18 × 5 कितना होता है, 90, ठीक है। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, मैं अगर तुमसे बोलूं 24 × 5, तो 24 × 5 कितना होता है, 120। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं 436 × 5, तो थोड़ा देर के लिए तुम ना इसमें रुक जाओगे, इधर तुम बिना देरी किए विद इन सेकेंड्स और विद इन नैनो सेकेंड्स तुम इसका आंसर बता रहे थे, और यहाँ पे तुम थोड़ा सा अटक सकते हो। तो इन्हीं चीजों को हम लोगों को यहाँ पे समझना, या फिर मैं तुम्हें दे दूं 8432 × 5, 6535 × 5, ठीक है, इस तरीके का मैं मल्टीप्लाई दे दूं, तो वहां पे तुम थोड़ी देर के लिए अटक सकते हो, ठीक है। या फिर तुम वही करोगे 5 × 5, फिर 5 × 3, फिर 5 × 5, फिर 5 × 6, इस तरीके से तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तो यहाँ पे समझो क्या है हम लोगों का, कि 5 से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या होता है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए तुम यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो है सबसे पहला एग्जाम्पल था 12 × 5, ठीक है।
अगर मैं 12 इंटू 5 को कुछ इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, 12 इंटू 5 अगर कुछ इस तरीके से लिख दूं कि ऊपर भी 2 से गुना कर दूं और नीचे भी 2 से गुना कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग एक चीज से बड़ा अच्छे तरीके से फैमिलियर है कि किसी भी नंबर को अगर हमको 10 से गुना होता है करना होता है तो बड़ा आसानी से निकल जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा ग्रुपिंग बनाएंगे, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो 12 को 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या, सीधा से उसको आधा करना, तो आधा कर दिए 6, 10 से गुना करने का मतलब क्या, एक जीरो बैठा देना। तो 5 का नियम क्या निकल के आया कि जब भी किसी संख्या को 5 से गुना करने के लिए बोला जाएगा तो उस संख्या को आधा करके हम लोग क्या कर देंगे, एक जीरो बैठा देंगे। और जीरो बैठाने का मतलब क्या है, 10 से गुना करना। ये उस केस में काम करेगा तुम्हारा 10 से गुना, जहां पे तुम्हारा नंबर क्या हो, ऑड नंबर हो, क्योंकि इवन नंबर को आधा करके तो हम लोग जीरो बैठा सकते हैं, ऑड नंबर में वो डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, हम लोग ऑड नंबर भी देखते हैं। जैसे देखो अभी मैंने लिखा 436 गुने 5, 436 का आधा, ठीक है, अगर इसमें भी तकलीफ है तो 400 का आधा 200 होता है, 36 का आधा 18 होता है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 218, और यहां से कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, यानी कि 436 गुने 5 कितना हो जाएगा, 2180। ठीक है, अब ऊपर वाले में आ जाओ, ऊपर वाला देखो क्या है, 8432 गुने में कितना है हमारा, 5 है, 8400 का जब तुम आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, 32 का आधा करोगे 16 हो जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 4216 और 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 का मल्टीप्लीकेशन इतना आसान है, तुम समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑड नंबर, ऑड नंबर इस पे आने से पहले हम लोग एक छोटा सा नंबर ऑड पे आते हैं। जैसे अगर हम तुमको बोल दें, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 439 गुने में 5 बोल देते हैं। ठीक है, तो 400 का आधा करोगे तो 20 तुम्हें 200 देगा तुम्हें। ठीक है, 39 का आधा करोगे तो वो 19 पॉइंट में 5 देगा, तो ऐड करोगे तो वो तुम्हें देगा 219 पॉइंट में 5, और इसी में जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2195, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इस सवाल को भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी 6535 है, गुने में क्या करना है, हम लोगों को 5 करना है, तो यहाँ पे जब 6535 का आधा करेंगे तो 6500 का आधा, 6500 का आधा कितना हो जाएगा, 3250। ठीक है, तो 3 यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो इसको, 3250, और 35 का आधा हो जाएगा 17 पॉइंट में 5 हो जाएगा, ऐड कर दो यहाँ से 5, 6, 2 और 3। अब हमको मालूम है 10 से गुना करेंगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया 32675 हो जाएगा, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये मल्टीप्लाई ऑफ 5 समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से हम लोगों का मल्टीप्लाई ऑफ 5 है, उसी सेम तरीके से हम लोग डिवीजन ऑफ 5 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ 5 में क्या है हम लोगों का, यहाँ पे देखो तुम, जैसे अगर मैं तुम्हें दूं 240 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, फिर वही चीज हम लोग करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, नीचे भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, पेयरिंग बनाएंगे कुछ 10 के रिस्पेक्ट में, और इनको क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसके साथ मैच कर देंगे। ठीक है, तो 240 को दुगना, देखो दो वाला टर्म जो होता है ना, हम लोग को बड़ा एकदम मजे में, दुगना करना और 2 से भाग देना, आधा करना, इसमें ना हम लोग काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर नंबर्स। ठीक है, तो उसी एक्सपर्टीज का हम लोग क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे, उसी एक्सपर्टीज का फायदा कैसे उठाएंगे, 240 गुना 2 यानी 240 का दुगना कितना होगा, 480, और यहाँ पे 480 को जो है हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या दे देगा हम लोगों को, 48 दे देगा यहाँ पे। तो किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है हम लोगों का, जस्ट उसको दुगना करो और उसमें से क्या करो, एक जीरो टान लो, एक जीरो टानने का मतलब क्या है, उसको 10 से डिवाइड दे देना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल जैसे अगर हम ले लू यहाँ पे 3600 को यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3600 का दुगना कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा, 7200 में हम जब एक जीरो को टानेंगे तो वहां पे कितना दे देगा वो, 720 दे देगा, हो गया हमारा आंसर 720। तो इतना इजी तरीके से तुम डिवाइड को भी कर सकते हो। लेकिन अब बोलोगे सर ये सभी नंबर्स में जो है हमारा जीरो है, और अगर कहीं आप 5 का ले लो तो 5 है। ठीक है, लेकिन उन नंबर्स पे क्या, जहां पे जो है हम लोगों का जीरो ना हो या वो परफेक्ट डिवीजन नहीं हो डेसिमल में। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो, जैसे कि अगर मैं ले लो यहाँ से 48 ले लो और डिवाइडेड बाई 5 कर दो, जो नियम है वही नियम रहेगा। मैंने क्या बताया, 48 का दो गुना, तो 48 का दो गुना कितना होता है सर, 96, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो टान लेते हैं, और उस टानने का मतलब मैंने तुम्हें समझाया है, उस टानने का मतलब क्या है, 10 से डिवाइड करना।
तो 10 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 पॉइंट में 6 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा जब 48 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो बड़े बड़े जितने भी नंबर हैं बड़ा ही आसान हो जाएगा इसको करने में। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं 237 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 237 को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, 200 का दुगना कितना हो जाएगा 400, ठीक है, और 37 का दुगना कितना हो जाएगा तुम्हारा 74 हो जाएगा, यानी कि 700 कितना हो गया 74 हो गया। अब यहाँ 700 जब 74 आ गया हम लोगों का तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 77.4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 200 का दुगना होता है 400, ठीक है, तो 200 का दुगना जब 400 हो गया, 37 दुगना कितना होता है 74, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 474 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है एक डेसिमल लगा देंगे तो 47 पॉइंट में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम देखो आसानी से, अब तुम इसको ऐसे करते 5 4 20 3 रिमाइंडर 7 उतरता 7 बार में 35 2 बचा रिमाइंडर डेसिमल दोगे 20 आएगा 4 बार में काटोगे फिर काट, इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा उसको क्या करना है डबल कर देना है और डबल करने के बाद क्या करना है उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 5 पे भी कमांड पा सकते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने 5 पे आया उस तरीके से हम लोग 25 पे भी जा सकते हैं, और भी जितने भी नंबर उस तरीके से उनके मल्टीपल्स के फॉर्मेट में आएंगे उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम लोग यहाँ पे 25 ले लें, ठीक है, तो 25 जब हम लोग ले लेंगे तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या होगा, जैसे अगर मान लो कि मैं तुम्हें दे दूं 28 इंटू में, या 28 छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है, ले लो तुम यहाँ से कोई भी एक नंबर ले लो 236 ले लो, ठीक है, और इंटू में तुम 25 कर दो, ठीक है। देखो हम लोगों का मेन फोकस क्या था ना, हम लोगों का मेन फोकस था कि जीरो बन जाना, ठीक है, किसी भी तरीके से जीरो, फाइव था तो उसको जीरो के फॉर्मेट में, 25 से हम लोग जीरो तब आ सकते हैं जब 25 में 4 गुना करेंगे तब जीरो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो सकता है कि इसमें हम लोग 4 गुना कर देते हैं ऊपर भी और 4 से गुना कर देते हैं नीचे भी, ठीक है। तो लिटरली अब देखो कितना आसान हो गया, 4 से जब तुम इसे काटोगे 200 को तो थोड़ा सा तुम्हारा इसको 25 के रिस्पेक्ट में गुना करने के रिस्पेक्ट में तुम्हारा आसान है कि तुम उसको 4 से डिवाइड दे दो, ठीक है। तो जब 4 से तुम डिवाइड दोगे 236 को तो देखो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4 से कट जाएगा 5 बार में और यहाँ 9 बार में, ठीक है, तो 59 हो गया और 25 गुने कितना होता है 400 होता है, तो 5900 तुम्हारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसानी, सब तुम इसी को 25 गुने 236 करने में तुम बहुत सारा समय बर्बाद करते गुना करने में। तो जितने भी नंबर्स हैं तुम इस तरीके से उनका आंसर दे सकते हो बिना किसी देरी की, ठीक है। तो जो भी नंबर्स आएगा उसी तरीके से हम लोग का डिवाइड में भी ले लो, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से 3700 ले लेते हैं, ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 25 करना है, तो जब डिवाइड करेंगे 25 से तो हम लोगों का क्या है कि इसमें भी ऊपर 4 से गुना कर देंगे, इसमें भी नीचे 4 से गुना कर देंगे, 25 गुने 4 करेंगे तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा हमारा, 37 इंटू 4 बचा 28 और 4 दिया 12 और 2 14 148 हो गया हमारा आंसर, कि जब 3700 को हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं 4 से गुना करके 2 जीरो टान ले रहे हैं। मतलब अब यहां से तुम देखो मतलब का बात यहां पे आते हैं कि इस तरीके से हम लोग यहां पे इसका आ गए। एक साधारण सा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि 125 में, ठीक है, 125 का कहानी देखो क्या है कि अगर हम तुमको दे दें यहां पे 37000 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है, तो जब 37000 को तुम 125 से डिवाइड करोगे तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे कि तुम इसको जीरो लाने के लिए क्या करोगे, नीचे 8 से गुना करोगे और ऊपर भी 8 से गुना करोगे। 125 गुने 8 जो होता है वो होता है 1000, तो 125 गुने 8 से ये खत्म हो जाएगा, 37 गुने 8 बच जाएगा, 8 से काट दो, 8 से 56 का 6, 5 8 में 8 दिया 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 29 हो जाएगा, तो कितना हो गया तुम्हारा आंसर 296 हो गया और यही तुम्हारा आंसर है। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो कि जब तुमने 5 के पावर 1 था तो उससे अगर गुना करना था या डिवाइड करना था, ठीक है, तो उस केस में तुमने क्या यूज किया था, 2 को यूज किया था, ठीक है। जब तुम 25 पे आए तो इस 25 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर जब तुम्हारा आया था तो तुमने वहां पे यूज किया था 4, ठीक है, और इसी 4 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। फिर अगला देखो क्या है तुम्हारा, तुमने यूज किया 125,
125 के लिए तुमने क्या लिख रखा है, 5 का क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए भी तुमने क्या यूज किया था, 8, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 का क्यूब बोल सकते हैं। मतलब 5 का जितना भी फॉर्मेट आगे आएगा डिवीजन के या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में हम लोग इस तरीके से चीजों को आसान बना सकते हैं। देखो और भी हम लोग चाहें तो इसको आसान बना सकते हैं। यहां पे क्या है हम लोगों का, लेट से कि कोई नंबर ए है हम लोगों का, ठीक है, इसको हमको बोल दे 625 से गुना करने के लिए, ठीक है। कोई नंबर ए है हम लोगों का और इसको हम लोगों को बोल दे 625 से गुना करने के लिए, तो 625 हम लोगों का क्या है, 5 के पावर कितना है हमारा, 4 होता है 625, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। जब हम लोग 5 के पावर 4 पे आए तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 के पावर 4 यूज करेंगे, ठीक है। जब 2 के पावर 4 यूज करेंगे तो यहां से तुम देखो 2, 4 जब तुम यूज करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 × 4 × 8 × 16 हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हें 16 से गुना करना है। अब तुम एक चीज यहाँ पे और भी कॉमन क्या निकाल सकते हो कि अगर गुना करना है, मतलब 5 से गुना करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, 1 0 बैठा देते थे, 25 से गुना करना होता था तो 00 बैठा देते थे, 125 से गुना करना रहेगा तो 000 का कहानी आएगा, मतलब अगर डालना भी है जीरो, डेसिमल लगाना भी है तो 000 का कहानी आएगा। अगर हमको 5 का पावर 4 पे आना है तो 4 बार 0 का कहानी आएगा, जो भी आएगा इसी तरीके से आएगा। देख लो यहाँ पे तुम, अगर हम तुमको डिवाइड के फॉर्मेट में ही दे दें कि यहाँ ले लेते हैं हम कुछ भी 262, ठीक है, और 1 2 3 4 0 ले लेते हैं, इसी को हमको क्या करना है, 625 से डिवाइड देना है। तो हम क्या करेंगे, जब ये हमारा 5 के पावर 4 है तो हम नीचे भी 2 के पावर 4 और ऊपर भी 2 के पावर 4 लगा देंगे। तो 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। 625 गुने जब तुम 16 करोगे तो ये तुम्हें देगा 1 4 0, मतलब 625 गुने में जब तुम 16 करोगे तो तुम्हें ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जब तुम्हारा ये रिजल्ट निकल के आ रहा है तो इन दोनों के मदद से ये तुम्हारा तो कैंसिल हो गया। अब तुम्हारा इसी 16 को 262 से गुना करना है, जिसको तुम कर सकते हो। 16 × 2 करोगे तो 32 हो जाएगा तुम्हारा। 2, 3 हमारा हाथ में है, 3 जब हाथ में है तो 16 × 6 कितना होता है, 96। 16 × 6 = 96 और 3 कितना हो जाएगा, 99 का 9, हाथ में 9 बच गया। 16 × 2 = 32, 32 और 9 जब तुम करोगे तो 32 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 41 हो जाएगा। और यही हमारा इस सवाल का आंसर है, 4192, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से समझो, ये सारा जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये सारा जो है ना पर्टिकुलर एक पैटर्न में बना हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न में बने रहने के लिए हम लोगों को इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग और भी आगे के सेशन को चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा ना दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अभी, चलो जल्दी से दबा के शेयर करो। जितना ज्यादा तुम व्यू लेके आओगे उतना ज्यादा मैं तुम्हारे बैंकिंग एग्जाम में खास करके कैलकुलेशन को मैं आसान करके दिखाऊंगा, ठीक है। और कैसे चीजों को यूज करना है इन चीजों को भी हम लोग देखेंगे, सवालों के साथ भी देखेंगे, सवाल आएगा भी उसमें भी देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन को इजिली कैसे करना है, ठीक है। जिन लोगों का आ रहा है ठीक है, उसको रिवीजन कर लो, या कुछ नया दिख रहा है तो कुछ नया तरीके से अडॉप्ट कर लो, ठीक है। देखो क्या हम लोगों का, जैसे अगर हम तुमको बोले, एक छोटा सा एग्जांपल दें हम तुमको, 27 और तुमको हम यहाँ पे लिख दें 23, कोई भी 2 डिजिट × 2 डिजिट, ठीक है। इस 27 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ए बी सी एंड डी से, ठीक है, ए बी और सी एंड डी से रिप्रेजेंट करें। तो हम लोग का पहला स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग करेंगे बी इंटू डी, ठीक है, जो कि इस तरीके से हम लोग उसका ब्लॉकिंग करते हैं, ठीक है। इस केस में तुम्हें ध्यान क्या रखना है, एक ऐसे गुना करना है और एक ऐसे क्रॉस लगा के गुना करना है, ठीक है। अब यहां से सेकेंड स्टेप में क्या होगा हम लोगों का, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है इस तरीके से भरता जाएगा। तो अब जो है हम लोगों का क्रॉस लगेगा, यानी कि a इंटू डी होगा और c इंटू बी होगा, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा हम लोगों का, ये ब्लॉक जो है इधर से पीछे से मिटते जाएगा और आगे अंतिम में इस तरीके से बढ़ते चले जाएगा। तो लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा a इंटू सी। ध्यान क्या रखना है तुमको कि जितने भी स्टेप्स जाएंगे उन सभी स्टेप्स में सिर्फ सिंगल डिजिट हम लोग लिखेंगे, बाकी आगे का जो लास्ट स्टेप होगा उसमें सारा डिजिट ऐड होगा। जैसे मान लो अगर किसी स्टेप में 21 आ रहा है
तो 1 लिखेंगे 2 कहां चला जाएगा, अगले वाले में कैरी चला जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से देखो, यहां समझाते हैं तुमको। 7 3 जा कितना हुआ, सबसे पहले क्या था हम लोग का, बीन टू दी, तो 7 3 जा कितना हुआ तुम्हारा 21, हाथ में कितना है तुम्हारे पास 2 है। फिर क्या है, a into d, 3 2 जा कितना है 6, फिर c into b, 7 2 जा कितना है 14, 14 6 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, हाथ में 2 अभी भी बचा हुआ है हम लोगों के पास। ध्यान रखना कि हर बार हम लोगों ने यहाँ 21 आया था तो 1 लिखा था फिर 2 कैरी, 22 आया तो 2 लिखा फिर 2 कैरी, मतलब हर बार जो है सिर्फ सिंगल डिजिट लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखो 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये रिजल्ट बन के आएगा ये कितना बन के आ गया 621। लास्ट में जो है सारे कैरीज को जोड़ के लिखना है, चाहे वो एक डिजिट में आए चाहे वो दो डिजिट में आए। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिए 97 और 76 लेते हैं। ठीक है, 97 76 जब लोगे यहाँ पे तो 76 का कितना हो जाएगा तुम्हारा 42 हो जाएगा, हाथ में कितना है 4 है, 96 का कितना हो जाएगा 54, 54 और 4 जब तुम ऐड करोगे तो 58, 77 का कितना है तुम्हारा 49 है। ठीक है, अब यहाँ से तुम ऐड कर दो 4 4 8 और यहाँ 16 और 1 17, 5 4 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो तुम्हें क्या लिखना है 7, 10 जो है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। फिर 97 का कितना है 63, 63 और 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर है 7372 इस सवाल का आंसर। तो ये तो हो गया हम लोगों का कि जब हम लोगों को 2 डिजिट इनटू में 2 डिजिट का मिल जाए तो उस केस में हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग का 3 डिजिट का कहानी आएगा तो 3 डिजिट को कैसे क्या करना है उस चीज को देखो। यहाँ पे इस केस में भी हम लोग उसी चीज को याद रखेंगे कि हम लोगों का ये जो है इस तरीके से रहना चाहिए और एक जो है क्रॉस में जाएगा। ठीक है, जहां पे क्रॉस एप्लीकेबल होगा वहां पे हम लोग क्रॉस लगाएंगे, जहां पे स्ट्रेट हम लोग का काम करेगा वहां पे स्ट्रेट लगा देंगे। ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2 3 1 3 2 1। ठीक है, या फिर 2 3 1 3 1 2। ठीक है, ठीक है, अब इससे चीज को करना, देखो चीजों को ना थोड़ा सा दिमाग में ना तुम्हें अपने सोचने की, गुना करने की प्रवृत्ति जो है ना उसको बढ़ानी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को छोटे छोटे नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करना है। मैं इसका बड़ा नंबर भी लेके चलूंगा। स्टेप्स हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ए बी और सी है, डी ई और एफ है। ठीक है, पहला ब्लॉकिंग जो आएगा वो सी इंटू एफ आएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा सी इंटू एफ। फिर क्या होगा, ये ब्लॉक पीछे की ओर बढ़ता चला जाएगा, तो सेकेंड स्टेप में अब यहाँ पे हमको क्रॉस लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B into F और यहाँ पे प्लस में C into E। ठीक है, तीसरा में हम लोग आएंगे तो तीसरा में फिर ये ब्लॉकिंग जो है पीछे की ओर बढ़ेगा, तो पीछे की ओर जब बढ़ेगा तो यहाँ पे अब देखो ऐसे क्रॉस लगेगा और यहाँ पे सीधा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A into F प्लस में B into E प्लस में C into डी। ठीक है, फोर्थ स्टेप में जब हम लोग आएंगे तो फोर्थ स्टेप में अब हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे इस चीज को देखो, अब तुम जब पीछे की ओर आओगे तो ये पीछे से एक क्या होगा छूट जाएगा, तो एक जब छूट गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा क्रॉस ए इंटू ई और प्लस में बी इंटू में डी। ठीक है, ये लग गया हम लोगों का यहाँ पे। इसके बाद जब तुम आखिरी स्टेप में आओगे तो पीछे की ओर जब तुम बढ़ोगे तो ये पीछे से एक मिट जाएगा यहाँ पे ब्लॉक, और लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचेगा A into D बच जाएगा। ठीक है, तुम्हें जैसे कि मैंने अभी लास्ट वाले टर्म में बताया था कि इन 4-5 स्टेप में से 4 स्टेप जो शुरू से होंगे उन चारों का हम लोग सिर्फ सिंगल डिजिट लिखेंगे और बाकी जो लास्ट में होगा उसमें हम लोग को डिजिट्स की कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना ऐड होके आ रहा है कैरी होके आ रहा है वो सारा ऐड करके लिख देना है। ठीक है, अब ये सारा चीज ना मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं तब जाके जब इन चीजों पे कमांड तुम कर लोगे तब जाके तुम आगे की चीजों पे कमांड पाओगे। ठीक है, तो यहां से समझो यहां पे क्या हम लोगों का, सबसे पहले हम लोगों का क्या है 2 into 1 क्या हो जाएगा 2, फिर होगा 3 2 6 और 1 into 1 6 1 कितना हो जाएगा 7, फिर आओगे 2 into 2 4, 3 into 1 3 4 3 कितना होगा 7 और 7 और 3 यहां से आ जाओगे 10, हाथ में कितना है 1, फिर 2 1 2 3 3 9 9 और 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 पर 2 हाथ में अभी भी 1 है, 3 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7
और इसी के साथ तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 72072 हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को ना तुम इस तरीके से ढाल के आसानी से आंसर दे सकते हो 3×3 का। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो, एक हम लोग थोड़ा सा टफ नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लोगों ने ले लिया 7, 2, 3 और एक ले लेते हैं हम लोग 4, 1 और थोड़ा सा ले लेते हैं 2, चलो 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग का क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3×2 करेंगे जो कि 6 देगा, 2×2 = 4 और 3 यहाँ करेंगे तो 4×3 = 7 देगा, 7×2 = 14, 4×3 = 12, 14 और 12 करोगे तो 26 और 2×1 = 2 करोगे तो 28, हाथ में कितना है 2 है। ठीक है, फिर आप यहाँ 7×1 = 7, 4×2 = 8, 15 और 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, हाथ में अब कितना बच गया तुम्हारे पास 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ तुम, यहाँ पे आ जाओ 7×4 = 28, 28 और 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो इस सवाल का आंसर जो हो गया वो हो गया 297876। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। अब इस 3 डिजिट के बाद क्या है हम लोगों का, कि एक कॉमन सा चीज हम लोग और यहाँ से समझेंगे जो हम लोगों को आगे यूज भी करना है। ठीक है, कॉमन सा चीज देखो यहाँ पे क्या है हम लोगों का, कि अगर किसी नंबर को ऐसे मान लो, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा 2 डिजिट × 2 डिजिट, ठीक है, फिर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 3 डिजिट × 3 डिजिट, अब हम लोग के पास मान लो लेट से 3 डिजिट × 2 डिजिट आ जाता है। ठीक है, 3 डिजिट × 2 डिजिट आ जाता है, तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग के पास आ जाए 2, 4, 5 और इंटू में आ जाए 3, 2। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को क्या करना, देखो इस केस में क्या है ना, अगर तुम्हें स्प्लिटिंग आती है, ठीक है, तो स्प्लिट करके कर लो, बचपन में तुम्हें 9th-10th में पढ़ाया जाता था स्प्लिट करके लिखने के लिए, या फिर इसको तुम जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले स्टेप किया था उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसका हम लोग 2 स्टेप को समझेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 245 है और 32 को गुना करना है, इसको भी हम 3 डिजिट बना देंगे पीछे में 0 ऐड करके। ठीक है, जब 0 ऐड करेंगे तो फिर वही चीज, 5×2 = कितना होगा 10, 1 कैरी, 4×2 = 8, 5×3 = 15, 15 और 8 करोगे तो 23 हो जाएगा, 23 और 1 24 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो गया 2। ठीक है, 2×2 = 4, 5×0 = 0 कहाँ खत्म हो गया, 2×2 = 4, 4×2 = 6 और 4×3 = 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 हाथ में कैरी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3×2 = 6 और 4×0 कुछ नहीं, तो 3×2 = 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 2×0 कुछ नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा 7840 हो गया। अब इसी चीज को तुम यहाँ देखो, हम लोग स्प्लिटिंग के बारे में कुछ बात कर रहे थे, अगर स्प्लिटिंग तुम्हारे दिमाग में हो रही है तो तुम्हें बहुत आसान होगा, नहीं हो रही है तो तुमसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 32 को हम स्प्लिट कर देंगे 3×10 प्लस में 2 के। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना है, 245 को 3 से गुना कर दो। ठीक है, तो 200 को जब 3 से तुम गुना करोगे तो 645 को 3 से गुना करोगे तो 135, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 735 और 10 से गुना करोगे तो 0। ठीक है, 245×2 करोगे तुम, 200 का दुगना होता है 445 का दुगना होता है तुम्हारा 90, यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 490 हो जाएगा। ऐड कर दो यहां से 0, 4, 4×3 = 7 और 1 = 8, 7, देखो तो 7840 आ रहा है। मतलब अगर नंबर्स तुम्हारे दिमाग में टूट जा रहे हैं तो उन चीजों को तुम क्या करोगे, ब्रेक करके स्प्लिट करके भी तुम निकाल सकते हो, गुना से ज्यादा आसान होता है एडिशन करना। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से समझना कि अगर 3×2 डिजिट वाला है तो हम लोग इस तरीके से भी अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों का क्या होता है कि कुछ हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन होता है जिसमें हम लोग इस तरीके से हम लोगों को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे हम अगर तुमको दे दें 3, 7, 2, 3, 4, 2 और इसको बोल दें 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 11, ठीक है, तो इस सवाल को समझो क्या है, हम लोग क्या करेंगे इस 2 को डायरेक्ट यहां पे उतार देंगे। ठीक है, मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग का डिजिट है उसको उतार देना है, 4×2 कितना होगा हमारा 6, 4×3 कितना होगा हमारा 7 और लास्टली हम लोग 3 को उतार देंगे। ठीक है, तो हमारा 3×4 = 2×11 जो होगा वो होगा 3762 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, अगर हम तुमको दे दें 7943×11, स्टार्टिंग का डिजिट वैसे उतार दो 3, ठीक है, 4×3 हमारा 7 होगा,
94 हमारा 13 होगा, हाथ में कितना है, कैरी 1 है, ठीक है। 79 जो होगा हमारा वो 17 हो जाएगा, कैरी के 79 हमारा 16, एक कैरी था 17, हाथ में अभी भी कैरी जो है वो 1 ही है हमारा। और 7 को लास्ट में हम लोग उतारते हैं, लेकिन एक कैरी है तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, और यही हमारे सवाल का आंसर है 87373, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ो कि अगर 2423 गुने में तुम्हें 111 दे दे, ठीक है, लिटरली तुम देखो कि 11 से गुना करने के लिए तुम्हारा जो एक्चुअल नियम है, जैसे 342 को अगर हम लोगों ने यहाँ पे भी गुना किया था 11 से, तो क्या करना है, 342 अगर 2 1 है तो उसमें एक कम कर देना है और इसके दोनों तरफ जो है उतना ही जीरो बैठा देना है, ठीक है। क्या मैंने बोला, 2 1 है तो उसको एक कम कर देना है और उसके दोनों तरफ उतना ही जीरो बैठा देना है। तो 2 है तो एक कम करेंगे तो एक बचेगा, एक जीरो इधर, एक जीरो इधर बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या है, 2 1 है तो हम लोग एक बार में दो डिजिट को ऐड करेंगे, तो 2 + 0 क्या होगा, 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, पीछे बढ़ेंगे, 4 2 कितना होगा, 6। फिर हम लोग इधर से एक मिटाएंगे, इधर आएंगे, 4 3 कितना होगा, 7। इधर से मिटाएंगे, इधर ऐड करेंगे, 3 0 कितना होगा, 3। आंसर हो गया 3762। देखो वही चीज आया था, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है। 2423 है, गुने में 11 है, 111 है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जितना 1 है उसमें से एक कम 1 और उतना ही 0 दोनों तरफ बैठा देना है, ठीक है। तो 3 1 है उसमें से एक कम करेंगे तो 2 2 0 हम लोग इधर भी बैठा देंगे, 2 0 इधर भी बैठा देंगे, ठीक है। अब 3 डिजिट है यहाँ पे तो इकट्ठे एक बार में 3 डिजिट ऐड करेंगे, तो 3 डिजिट ऐड करेंगे तो 3। फिर इधर से एक मिटाएंगे, इधर एक बढ़ाएंगे तो 3 2 5। इधर से एक मिटाएंगे, इधर बढ़ाएंगे तो 4 2 6 3 9, ठीक है। इधर से एक मिटाएंगे, इधर एक बढ़ाएंगे तो 4 2 6 6 4 10 का 0 एक हाथ में। इधर से ये मिटाएंगे और इधर से एक बढ़ाएंगे तो 4 2 6 और 1 7। इधर से एक मिटा के फिर इधर लास्ट में बढ़ाएंगे तो 2। अब अगर इधर मिटाते हैं तो ये 2 डिजिट का होगा, वो हम ऐड कर नहीं सकते, हमको इकट्ठे जो है एक बार में 2 डिजिट को ऐड करना है, और यही हमारे सवाल का आंसर है 270953, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 11 111 1111 जितना भी नंबर आएगा 111 के फॉर्मेट में हम लोग उस तरीके से उसका स्क्वायरिंग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं अपने एक्चुअल सवाल की ओर, जो हम लोगों को थंबनेल में मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि उन चीजों को तुम कपल ऑफ सेकंड्स में कैसे कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो हमारा एक्चुअल फॉर्मेट था, हमारे जो एक्चुअल मकसद था सिखाने का, उन चीजों को समझने से पहले तुम्हें ये सारी चीजें आनी होनी चाहिए, और इन चीजों को याद रखना तो ऐसे ही संभव नहीं कितना सारा चीज याद, ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। और प्रैक्टिस तुम कैसे कर सकते हो, एक रफ सिर्फ एक पेपर ले लेना, उस पर तुम ना 15-20 क्वेश्चन है एक पेपर में जितना भी है वो सारा बना लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन क्रिएट कर लेना, जितने भी चीजें अभी तक मैंने तुम्हें बताई हैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पे, उन पे मतलब जितनी भी चीजें बताई उनके बेसिस पे क्वेश्चंस क्रिएट कर लो, और उन क्वेश्चन को पेपर पे नोट डाउन कर लो, और उस पेपर को बंद करके रख लो सवाल बनाने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसके 1 घंटे के बाद जो है उस पेपर को निकालना, और उसके बाद फिर एज अ टेस्ट उसको देना, ठीक है। ध्यान रखना इसी समय मत दे देना, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन बना रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारा दूसरा पार्ट होगा दिमाग का, वो उस समय सॉल्यूशन भी बना रहा होगा। तो एट ए टाइम सवाल बनाने के समय में सॉल्यूशन मत बनाना, जब भी तुम सॉल्यूशन बनाना तो वो पेपर को लिखने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद बनाना, ठीक है। तो अब हम लोग मेन एक्चुअली अपना जो शुरू कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरी, ठीक है, बेस थ्योरी, ठीक है। अब यहां से तुम देखो यहां पे क्या, अगर मैं तुम्हें बोलूं इसमें हम लोगों का जो है 4 स्टेप इन्वॉल्व होता है, और उन 4 स्टेप्स को अगर तुम जो होगा मैंने तुम्हें बताया था जैसा, तो उन 4 स्टेप्स को तुम ना विजुअलाइज करके ही करोगे, उन 4 स्टेप्स को लिख के नहीं करना, ये जस्ट मैं तुम्हें समझाने के लिए उन 4 स्टेप्स को नोट डाउन करूंगा, ठीक है। हम लोगों का पहला स्टेप जो है, सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं बेस, ठीक है। और बेस कैसा होता है, 10, 100, 1000, 10,000 etc, इस तरीके का हमारा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप जो होता है वो हम लोग का होता है डेविएशन, जिसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डेविएशन, सेकेंड स्टेप में, ठीक है। थर्ड स्टेप में जो हम लोग का होता है वो होता है प्रोडक्ट,
और फोर्थ स्टेप में जो होता है वो होता है हम लोगों का सम। ठीक है, हम लोग इस तरीके से इन चार स्टेप में हम लोग को विजुअलाइज करना है। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जांपल के साथ ही चलेंगे। सबसे पहला एग्जांपल जो है हम लोगों का वो है 9 × 8। ठीक है, बड़े ही आसानी से तुम इस सवाल का आंसर दे सकते हो 72। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा लंबा लेके चलेंगे। ठीक है, देखो लंबा लेके चलने का उद्देश्य यही है कि तुम चीजों को आसानी से समझ जाओ। ठीक है, 9 और 8 के नजदीक में तुम्हें कौन सा बेस दिख रहा है? तो इस सवाल के लिए तुम्हें बेस दिख रहा होगा 10। 9 और 8 के नजदीक क्या हो गया? 10। पहला हम लोग का फाइंड हो गया बेस। सेकंड में आते हैं, सेकंड होता है डेविएशन। जो नंबर दिया हुआ है उसमें बेस को घटा देंगे तो ये क्या देगा हमको? -1 देगा। ठीक है, 8 में जब 10 को घटा देंगे तो ये हमको क्या देगा? -2 देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया -1, यहाँ लिख दिया -2, और हम लोग क्या करेंगे इसको दो पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या है? -1 × -2 करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना साइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, -1 × -2 करेंगे तो ये हमें +2 देगा। ठीक है, 8 × 9 करेंगे तो 8 × 9 यहाँ पे -1 × -2 हो गया। अब सम की बारी। ठीक है, सम में क्या है हम लोगों का? 9 है और 8 है। सम जो होता है क्रॉस में जोड़ने से निकलता है। या तो तुम 9 में -2 ऐड कर दो या तुम 8 में जो है -1 ऐड कर दो। ठीक है, 9 में तुम क्या ऐड कर दो? -2 ऐड कर दो, 8 में -1 ऐड कर दो। दोनों ही कंडीशन में तुम्हें देखो तो 7 मिलेगा क्या? ठीक है, हो गया तुम्हारा आंसर। आंसर क्या हो गया? यहाँ से 7, यहाँ से 2, 72 आंसर हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ से एक चीज समझना कि हमारा प्रोडक्ट के साइड रहा डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ कौन डिसाइड करता है? बेस में रहा जीरो। लेट से कि अगर हमारा बेस कुछ 1000 होता और यहाँ सिर्फ 2 आता तो यहाँ पे बेस में हमारा 3 0 है तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड जो डिजिट्स आएगा वो 3 डिजिट आएगा। अगर 3 डिजिट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसके पहले उतना 0 लगा के उसको क्या कर देंगे? 3 डिजिट बना देंगे, मतलब 00 लगा देंगे तो 3 डिजिट हो गया। ठीक है, अगर मान लो हम लोगों का कि बेस 100 होता, ठीक है, तो 2 0 वाला बेस होता, 1 डिजिट आया हुआ है, 1 डिजिट और चाहिए, 0 इसके पहले लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों का प्रोडक्ट के साइड रहा डिजिट्स कौन डिसाइड करता है? बेस में रहा 0। ठीक है, इस चीज को तुम चाहो तो लिख भी लो, नंबर ऑफ डिजिट्स एट प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज एट बेस। ठीक है, डिजिट्स जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड करता है बेस में जितना 0 है उस पे। ठीक है, अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। अगला एग्जांपल देखो क्या है हम लोगों का। ठीक है, इस एग्जांपल को ध्यान रखना, अगले एग्जांपल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला देखो क्या, हम लोग ना इसको मिटाएंगे नहीं, ठीक है, यहाँ ही पे हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अगला एग्जांपल हम लोगों का। अगला है हम लोगों का, हम लोग 2 डिजिट एग्जांपल की ओर चलते हैं। ठीक है, 98 है हम लोगों का अगला एग्जांपल और यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 95। ठीक है, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हम लोगों का जो बेस होगा वो बेस हम लोगों का कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए। अब यहाँ से तुम देखो आगे जब तुम बढ़ोगे तो अब तुमको निकालना है डेविएशन। तो तुम डेविएशन जब निकालोगे तो तुम यही ना निकालोगे, 98 में 100 घटा दोगे तो -2 देगा और 95 में 100 घटा दोगे तो ये तुम्हें -5 देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का -2 यहाँ से हो गया, ये हम लोगों का -5 यहाँ से हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसका पार्टीशन कर देते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं। अब ये लिखना मुझे तो नहीं लगता कहीं पे भी जरूरत है मुझे कि ये प्रोडक्ट लिखो या सम लिखो। तुम्हें साफ साफ मालूम है कि अब -2 × -5 होता है तो -2 × -5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं? या तो इसको क्रॉस में जोड़ दो या तो इसको क्रॉस में जोड़ दो, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो 95 में या तो -2 जोड़ेंगे तब भी 93 देगा, 98 में -5 जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या देगा? 93 देगा। हो गया, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? 93 कर देंगे और इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9310। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, क्या तुम इस चीजों को विजुलाइज करके नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10, 2 डिजिट आ गया, इधर का कहानी खत्म। या तो इसको इधर घटा दो या तो इसको इधर घटा दो, एक बार में आंसर हो गया। तो इन चीजों को जो है ना तुम विजुलाइज करके आंसर दे सकते हो बिना किसी देरी के। ठीक है,
तो एक और एग्जाम्पल क्यों हम लोग चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखो क्या है हम लोग के इस सेशन का, ठीक है। देखो क्या, अगर हम लोग ले लें यहाँ पे 996995, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे विजुअलाइजेशन को और बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा अभी जो है टू डिजिट पे ही चलते हैं, ठीक है। टू डिजिट हम लोगों का क्या है 99 95 और 92, ठीक है। अब यहाँ से तुम थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कोशिश करो कि तुम्हें दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि यहाँ पे 5 बच रहा है और यहाँ पे 8 बच रहा है। 8 × 5 करेंगे तो ये हमें 40 देगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि 5 है तो 92 में ले जाके हम लोग क्या कर देते हैं, 5 को घटा देते हैं। तो 92 में जब ले जाके 5 को घटाएंगे तो ये हमें 87 दे देगा। आंसर हो गया हमारा 87, ठीक है। कितना ही आसानी से हम लोग का निकल गया। कितने भी सारे एग्जाम्पल ले लो, कहीं पे भी तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेट से हम लोग ले लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 94 ले लेते हैं और 93 ले लेते हैं, चलो ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा और विजुअलाइज करो, यहाँ तुम्हारा बेस के अकॉर्डिंग 6 बच रहा है, यहाँ पे तुम्हारा बेस के अकॉर्डिंग कितना बच रहा है 7। 7 × 6 या कितना हो जाएगा तुम्हारा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम लिख दो 42। अब यहाँ से तुम वापस आ जाओ, यहाँ पे तुम आओगे तो यहाँ तुम्हारा 6 आ रहा था, 93 में जब तुम 6 को घटाओगे तो 93 में 6 को घटाओगे तो कितना दे देगा तुम्हारा 87 दे देगा, 874 हो जाएगा। ध्यान रखना अभी तक मैंने तुम्हें जो सीरीज पढ़ाई है वो 991 से, मतलब उसके पहले कितना भी 9 ले लो, लास्ट में 1 से लेके तुम्हारा 9 तक की मैंने अभी सीरीज तुम्हें बताई है। धीरे धीरे करके मैं इसे और ऊपर लेवल तक लेके जाऊंगा, इस चीज को तुम ध्यान में रखना, एकदम पेशेंस बनाए रखना और वीडियो को शेयर करते रहना। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे इससे कई ज्यादा जहर वाली चीज मैं तुम लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी तक टू डिजिट देख लिए हम लोग और हम लोग चलेंगे 3 डिजिट की ओर, लेकिन एक 2 डिजिट का और एग्जांपल देखने के बाद, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का क्या है कि जैसे हम लोग यहां पे अगर ले लें 98 और यहां ले लेते हैं हम लोग 97, ठीक है। तो 98 जब लेंगे तो यहां पे तुम्हें दिख रहा है 2, यहां पे दिख रहा है तुम्हें 3, ठीक है। 3 2 या तुम क्या करोगे 6। तुम्हें मालूम है इस सवाल का बेस जो है वो 2 डिजिट वाले 0 वाला है। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब क्या है हम लोगों का यहाँ पे 2 है, 2 ले जाके इधर घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 95 9506। विद इन सेकेंड्स तुम इस चीज का आंसर दे सकते हो, ये मेरा दावा है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो, ठीक है। चलो 3 डिजिट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 डिजिट देखो क्या, 99 हम लोग 4 ले लेते हैं और 99 हम लोग 8 ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना मैं अभी कैसा नंबर लिख रहा हूँ, पीछे कितना भी 9 हो लास्ट वाला यूनिट डिजिट जो है दोनों का जो है वो 1 से लेके 9 तक के बीच में ही हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग और आगे जानेंगे कि चीजों को और कैसे करना है, ठीक है। हम लोग 1000 में भी आएंगे, हम लोग और भी बहुत सारे इन दोनों का मिक्सचर, जैसे ऐसा हमारा आएगा 1007 1005, इनको भी देखेंगे या 4 हो जाए, फिर हम लोग इसको भी देखेंगे 995 दे दे 1007 दे दे, इन सभी चीज़ों का हम लोग जो है शॉर्टकट देखेंगे कि इस तरीके से हम लोग विजुअलाइज करके आंसर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या, जब इसका तुम करोगे तो इस सवाल का जो तुम्हारा बेस है वो बेस कितना है तुम्हारा 1000, ठीक है। 994 के नज़दीक में जो है वो तुम्हें क्या दिख रहा है 1000 ही दिख रहा है, ठीक है। 1000 जब तुम्हें दिख रहा है तो यहाँ से जब तुम आओगे तो डेविएशन निकालोगे तो यहाँ -6 देगा और यहाँ पे क्या तुम्हें देगा -2 देगा। जब तुम बंटवारा करोगे तो 6 × 2 कितना देगा तुम्हें 12 देगा। अब तुम्हें मालूम है 3 डिजिट वाला है, तुम्हारा 2 डिजिट आया तो 10 तुम क्या करोगे यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे तो 94 में या तो इधर ऐड कर दो या 98 में ये चला दो। दोनों ही केस में जब तुम करोगे तो वो तुम्हें क्या देगा 992 देगा क्या। देखो तो 994 में अगर -2 जोड़ोगे तो 992 कर देगा, 998 में -6 करोगे तो -992 कर देगा। तुम्हारा आंसर क्या हो गया 992012, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है ये आंसर निकल गया। आगे बढ़ो, आगे एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल हम लोग का क्या बोल रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 992 ले लेते हैं और 996 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे -8, अब थोड़ा ना इसको लिखते नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं। यहाँ 8 यहाँ 4, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। 8 और 4 करोगे तो 8 × 4 का कितना होता है 32, ठीक है। ये तो मालूम है कि इसका बेस 1000 है तो 10 यहाँ पे लगा दो, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए उसमें, 1000 में 3 0 होता है। अब इसके बाद तुम देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा कितना है 4 है,
ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 8 है, 4 को जब इसमें तुम कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा 988, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 988032। तुम इतने बड़े बड़े नंबर को जो है एकदम आसानी से कैलकुलेट करके तुम बता रहे हो, ठीक है। चलो एक हम लोग 4 डिजिट का देखते हैं, ठीक है, 4 डिजिट का कहानी क्या है हम लोगों का, ठीक है। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, देखो 4 डिजिट का कहानी क्या है। अगर मैं यहां पे लिखूं, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हम लोगों का जो बेस होगा वो क्या होगा, 40 वाला, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट के साइड में हम लोगों को जो डिजिट्स चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। कोई नया चीज नहीं है इसमें भी, जब तुम निकालोगे तो यहाँ पे तुम्हें -6 देगा, यहाँ पे -4 देगा। प्रोडक्ट जब करोगे तो 6 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 40 है, दो ही डिजिट आया तो 2 डिजिट यहाँ पे लगा दो, 4 को इधर ले जाके घटा दोगे तो ये तुम्हें देगा 9990। और इसी सवाल का जो हमारा आंसर है वो आंसर है हमारा 9900024, ठीक है। तो अभी तक में हम लोगों का जो है इस टाइप के सवाल का हम लोगों का बड़ा आसानी से कैलकुलेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो आज का हम लोग का जो सेशन है वो यहीं तक है, फिर मैं अगले सेशन में आऊँगा, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा और रिसर्च करके आपको बताऊँगा कि कैसे आप बहुत सारे नंबर्स को ईजिली कर सकते हो। जैसे कि हम लोग अगर बात करें इस टाइप का कैलकुलेशन 8599963, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का, या फिर 1007 1033, ये हो गया हम लोगों का। इन सब चीज़ों को भी हम लोग कैसे विद इन सेकेंड्स करेंगे, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे अगले सेशन में। या फिर हम लोगों का एक और एग्जांपल ले लो कि 1003 ले लो, 992 ले लो, ठीक है, या 1032 ले लो, 988 ले लो। इन चीज़ों को देखो, कितना भी नंबर हो अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो चीज़ों को आसान बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएगा उतना ज़्यादा मैं इन चीज़ों पर मेहनत करूँगा और आपको लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो वीडियो को दबा के शेयर करना है और पूरा लाइक भी करना है वीडियो को देखने के बाद। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम हर एक कमेंट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत ही जल्द मैं इसका अगला सेशन लेके आऊँगा। थैंक यू।